हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की बुक बिहाइव के चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। व्हेन वाज अल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न? अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ? 14th मार्च 1879, 15th मार्च 1879, 16th मार्च 1879 या फिर 17th मार्च 1879। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ है 14th मार्च 1879। वेयर वॉज अल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न? अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ? बुल्गारिया, म्यूनिक, बर्लिन या फिर ओल्म? अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था? ओल्म। ये जर्मनी में एक प्लेस है जहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन्स मदर थॉट दैट अल्बर्ट वॉज आ डैस। अल्बर्ट आइंस्टीन की मदर उसे क्या सोचती थी? ब्रदर बोरिंग, फ्रीक, फूलिश, नन ऑफ दीज। अल्बर्ट आइंस्टीन की मदर अल्बर्ट को एक फ्रीक सोचती थी। फ्रीक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे लोगों की तरह नहीं सोचता है, उनसे कुछ अलग सोचता है, डिफरेंट सोचता है। व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम? अल्बर्ट के क्लासमेट उसे क्या कहते थे? फ्रीक, इडियट, ब्रदर बोरिंग, फूलिश। इडियट और फूलिश तो अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं थे, फ्रीक अल्बर्ट आइंस्टीन की मदर उन्हें कहती थी। तो क्लासमेट्स क्या कहते थे? ब्रदर बोरिंग। अल्बर्ट स्पेशली लव्ड डैश टॉयज। किस प्रकार के खिलौनों को प्यार करता था? क्ले, क्ले से बने हुए प्लास्टिक के, मैकेनिकल टॉयज या फिर ऑल ऑफ दिस? तो अल्बर्ट को मैकेनिकल टॉयज से बहुत ज़्यादा प्यार था। व्हाट इज द नेम ऑफ अल्बर्ट्स न्यू बॉर्न सिस्टर? अल्बर्ट की सिस्टर का क्या नाम है? कजा, माजा, राजा या फिजा? अल्बर्ट की एक सिस्टर थी जिसका नाम है माजा। Who said this line fine? Where are her wheels? ये बात किसने कही कि उसके पहिए कहाँ हैं? जब अल्बर्ट आइंस्टीन की सिस्टर माजा का जन्म होता है तो ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, क्योंकि उनको मैकेनिकल टॉय से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो उसको भी एक मैकेनिकल टॉय समझते हैं और कहते हैं कि इसके पहिए कहाँ हैं। फाइन वर्ट Where are her wheels? The word her refers to. एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, लेकिन इसमें जो हर है वह किसके लिए यूज किया गया है ये हमें बताना है। एल्सा के लिए, मैकेनिकल टॉय के लिए, माजा के लिए या नन ऑफ दीज? तो हर यहाँ पर रेफर करता है माजा को, जो अल्बर्ट आइंस्टीन की सिस्टर है, और उसके बारे में ही अल्बर्ट आइंस्टीन यह सेंटेंस कहता है। आइंस्टीन स्टार्टेड लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ। आइंस्टीन ने वायलिन सीखना शुरू किया था तो किस उम्र में किया था? 5 साल की उम्र में,
7 ईयर्स ओल्ड, 6 ईयर्स ओल्ड या फिर 9 ईयर्स ओल्ड? तो अल्बर्ट ने 6 ईयर्स ओल्ड, जब वह 6 साल का था तो उसने वायलिन को सीखना शुरू कर दिया था। अल्बर्ट लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड एट द एज ऑफ, अल्बर्ट ने स्कूल कब छोड़ दिया था? 6 साल की उम्र में, 9, 15 या 16? तो अल्बर्ट ने 15 ईयर का जब वह था तो उसने स्कूल को अपने अच्छे के लिए छोड़ दिया था। वेयर डिड अल्बर्ट डिसाइड टू स्टडी आफ्टर फिनिशिंग स्कूल? जब अल्बर्ट ने स्कूल फिनिश कर लिया उसके बाद वह कहाँ जाने का डिसाइड करता है कि वह यहाँ जा कर के स्टडी करेगा? एट अ यूनिवर्सिटी इन बर्लिन, बर्लिन की यूनिवर्सिटी में, एट अ यूनिवर्सिटी इन म्यूनिक, म्यूनिक की यूनिवर्सिटी में, एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख या फिर ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी में? अंत ऑप्शन दे रखा है, नॉन ऑफ दीज। तो एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, आफ्टर फिनिशिंग स्कूल अल्बर्ट डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। अल्बर्ट आइंस्टीन फाउंड मिलेवा मेरिक टू बी आ डैश। मिलेवा मेरिक के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन के क्या विचार थे कि वह एक फोलिस गर्ल है, मैड है, क्लेवर क्रीचर है या फिर ऑल ऑफ दीज? अल्बर्ट आइंस्टीन मिलेवा मेरिक को एक क्लेवर क्रीचर समझता था। सो अल्बर्ट आइंस्टीन फाउंड मिलेवा मेरिक टू बी अ क्लेवर क्रीचर। व्हेन वाज आइंस्टीन अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट? एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कब हुआ, कब बना? इन 1916, इन 1915, इन 1900, इन 1905। तो कब उसने अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी? इन 1900 में उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। व्हेन डिड आइंस्टीन सिक्योर एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न? तो एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर बर्न के पेटेंट ऑफिस में उसने अपनी जॉब कब सिक्योर की, यानी कि उसकी जॉब कब उस सिक्योर हो गई? 1901, 1902, 1903 या फिर 1904? तो 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में उसकी जॉब सिक्योर हो गई, यानी कि उसको जॉब मिल गई और उस जॉब में उसको अब कोई ख़तरा नहीं रहा कि अब जॉब खो जाएगी या जॉब पक्की नहीं है, तो उसको जॉब सिक्योर हो गई। Which theory of Einstein explains that time and distance are not absolute? किस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर नॉन ऑफ दीज? एक थ्योरी जिसको इन्वेंट किया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये थ्योरी ऐसी है जिसमें आइंस्टीन एक्सप्लेन करते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है। E इज इक्वल MC स्क्वायर फॉर्मूला गिवन बाय आइंस्टीन
describes the relationship between dash and dash. जो E इक्वल एम सी स्क्वायर फार्मूला है ये किसके बीच में रिलेशन डिस्क्राइब करता है, स्पीड और एनर्जी, मास एंड एनर्जी, मास एंड स्पीड, या फिर नन ऑफ दीज। तो एक फार्मूला दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, E इज इक्वल एम सी स्क्वायर। तो ये फार्मूला मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। हु इन्वेंटेड द फेमस फॉर्मूला इज इक्वल एम सी स्क्वायर? मैरी क्यूरी, इसाक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, या नन ऑफ दीज। ये फॉर्मूला किसने इन्वेंट किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इन द फॉर्मूला इज इक्वल एम सी स्क्वायर ई स्टैंड्स फॉर, जो फॉर्मूला है ई किसके लिए स्टैंड करता है? इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, अर्थ, या फिर एलिमेंट। तो ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, एम स्टैंड्स फॉर मास, और सी स्टैंड्स फॉर द स्पीड ऑफ लाइट। इस प्रकार से इसमें दिए हुए सभी लेटर्स ई, एम और सी अलग अलग चीज के लिए स्टैंड करते हैं। Who was against the marriage of Einstein and Mallory Merrick? Mallory Merrick और Einstein की मैरिज के खिलाफ कौन था? Albert's mother, Albert's father, Albert's cousin, या फिर Mallory Merrick's mother? तो Albert की मदर, Einstein और Mallory Merrick की मैरिज के खिलाफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज अ बुक लाइक यू, हु सेड? वह भी तुम्हारी तरह ही एक किताब है, ये बात किसने कही? अल्बर्ट्स फादर, एल्सा मैलिव अमेरिक, या फिर अल्बर्ट्स मदर? तो ये बात अल्बर्ट्स की माता ने कही थी, मदर ने कही थी, क्योंकि वह देखती है कि मैलिव अमेरिक भी बुकिश है, उसका ध्यान भी ज़्यादा किताबों में ही है, और इसी वजह से वह अल्बर्ट आइंस्टीन और मैलिव अमेरिक की शादी के खिलाफ थी। व्हेन डिड आइंस्टीन मैरी मैलिव अमेरिक? मैलिव अमेरिक से आइंस्टीन कब शादी करता है? इन मार्च 1903, इन अप्रैल 1903, इन जनवरी 1903, या फिर नन ऑफ दीज। जनवरी 1903 में आइंस्टीन मैलिव अमेरिक से शादी करता है। अल्बर्ट एंड मैलिव हैड डैश सन्स या सन? अल्बर्ट और मैलिव के कितने बेटे थे? 3, 4, 1 या 2? तो अल्बर्ट और मैलिव के दो बेटे थे, दे हैड 2 सन। When did Albert and Mallory got divorced? उनका डिवोर्स कब हुआ? उनका तलाक कब हुआ? In 1918, in 1919, in 1904, in 1920. तो 1919 में अल्बर्ट मैलिवा का तलाक हो गया था। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन डैश द सेम ईयर। 1919 में ही आइंस्टीन ने अपनी कजिन से शादी कर ली थी। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज कजिन, उसकी कजिन का क्या नाम था? माजा, इसकी बहन का नाम था मैलिव अमेरिक, इसकी पहली पत्नी का नाम था एल्सा, या फिर नन ऑफ दीज। तो एल्सा अल्बर्ट आइंस्टीन की कजिन का नाम था, जिससे उसने मैलिव अमेरिक से तलाक होने के बाद शादी की थी। When did Einstein marry his cousin Elsa?
आइंस्टीन अपनी कजिन अपनी चचेरी बहन एल्सा से कब शादी करता है? इन 1918, इन 1919, इन 1917 या फिर इन 1920? तो 1919 में ही आइंस्टीन का मेलिवा मैरिक से डिवोर्स हो गया था और उसी साल वह एल्सा से शादी करता है। व्हेन डिड आइंस्टीन पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? आइंस्टीन अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब पब्लिश करता है? इन 1913, इन 1914, इन 1915 या फिर इन 1916? तो 1915 में, 1915 में आइंस्टीन अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश करता है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड आइंस्टीन्स वर्क एज डैश। न्यूज़पेपर ने आइंस्टीन के वर्क को क्या कहा? एज अ फिजिक्स इन्वेंटर, अ साइंटिफिक क्रिएटर, अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन या फिर नन ऑफ दीज? तो न्यूज़पेपर्स ने अल्बर्ट आइंस्टीन के वर्क को अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति माना था। व्हेन डिड आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स? फिजिक्स के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला, कब रिसीव किया उसने? इन 1919, 1921, 1922, इन 1918? तो 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, और किस लिए मिला था? फिजिक्स के लिए मिला था, क्योंकि इसने फिजिक्स में बहुत अच्छा कार्य किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस लिए मिला? लिटरेचर के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए या फिर नन ऑफ दीज? फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत अच्छे थे, इनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। व्हेन डिड द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी? नाजी लोग जो थे, हिटलर जो था, जर्मनी में कब पावर में आए? इन 1933, 1934, 1935 या 1936? तो जर्मनी में हिटलर का राज 1933 में हो गया था। सो जर्मनी में नाजी लोग 1933 में पावर में आए। ऑन विच सिटीज ऑफ जापान द अमेरिकन्स ड्रॉप द एटॉमिक बॉम्ब? जापान के कौन से शहरों पर अमेरिका ने एटॉमिक बम ड्रॉप कर दिए थे, गिरा दिए थे? हिरोशिमा, नागासाकी, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? तो बोथ ए एंड बी, हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहरों पर अमेरिकन्स ने एटॉमिक बम, इनके एटम बम गिरा दिए थे। व्हेन डिड द अमेरिकन्स ड्रॉप द एटॉमिक बम ऑन द जापानीज सिटीज? जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिकन्स ने एटॉमिक बम कब गिराए? इन जुलाई 1945, इन अगस्त 1945, इन सितंबर 1945, इन अप्रैल 1945? तो अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिकन्स ने एटॉमिक बम ड्रॉप कर दिए थे। व्हेन डिड आइंस्टीन डाई? आइंस्टीन की मृत्यु कब हुई? 1953, 1954, 1955 या फिर 1956? तो इन 1955, 1955 में आइंस्टीन हमें छोड़कर चले गए, 1955 में उनकी मृत्यु हुई। हु वाज बोदर्ड बाय द इंटेलिजेंस ऑफ मेलिवा मेरिक?
मैरीव अमेरिकी इंटेलिजेंस से कौन परेशान था? अल्बर्ट, एल्सा, अल्बर्ट्स मदर या फिर नन? तो अल्बर्ट की मदर मैरीव अमेरिकी इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा बोदर्ड थी, और वो कहती भी थी कि वह तो आइंस्टीन की तरह ही एक किताब है, और इसीलिए अल्बर्ट की मदर मैलिवा मैरिक और अल्बर्ट की मैरिज के खिलाफ थी। एट व्हाट एज डिड आइंस्टीन डाई? आइंस्टीन कितने साल की उम्र में उनकी मृत्यु होती है यह हमें बताना है। एट द एज ऑफ 74, 75, 76 या 77? तो 76 ईयर्स ओल्ड जब आइंस्टीन 76 वर्ष के होते थे तो उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि 76 साल की उम्र में आइंस्टीन का देहांत हुआ। व्हेन डिड द फेमस पेपर ऑफ आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गेट पब्लिश्ड? आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब पब्लिश हुई? 1902, 1903, 1905 या फिर 1906? तो 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको आइंस्टीन ने लिखा था पब्लिश हुई थी। 1915 में इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी थी, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो 1905 में पब्लिश हुई थी, और 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई थी। आइंस्टीन हैड मुस्टाच लाइक डैश आ यंग मैन, जब वह एक यंग मैन थे तो उनकी मुस्टाच कैसी थी? वाइट, अ बुश, एक झाड़ी की तरह थिक थी या फिर एक वालरस की तरह? तो उनकी मुस्टाच कैसी थी? एक वालरस की तरह थी। वालरस क्या होता है? एक दरियाई घोड़ा होता है जिसके दांत नीचे की ओर झुके होते हैं, तो ठीक उसी की तरह आइंस्टीन की मूछें नीचे की ओर पड़ी हुई थी। हाउ ओल्ड वॉज अल्बर्ट आइंस्टीन व्हेन हिज फैमिली मूव्ड टू म्यूनिक? जब अल्बर्ट आइंस्टीन की फैमिली म्यूनिक गई तब अल्बर्ट आइंस्टीन की उम्र क्या थी? 15 मंथ्स ओल्ड, 15 महीने का था, 16 मंथ्स ओल्ड, 16 महीने का, 14 महीने का या फिर 1 साल का? तो अल्बर्ट आइंस्टीन उस समय 15 महीने के थे जब इनकी फैमिली म्यूनिक चली गई थी। हाउ मैनी टाइम्स डिड आइंस्टीन अटर अ वर्ड व्हेन ही लर्न टू स्पीक? जब आइंस्टीन ने बोलना सीखा तो वह एक वर्ड को कितनी बार बोलता था? वंस, एक ही बार, ट्वाइस, दो बार, थ्राइस, तीन बार या फिर 5 times, 5 बार? अल्बर्ट आइंस्टीन किसी भी वर्ड को ट्वाइस, दो बार बोलता था। आई होप आपको सभी MCQ समझ में आ गए होंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।